है, मेरा नाम हूँ है केसर सिंह गरासिया। और आपके गांव का नाम? गांव का नाम ये अभी आप बैठे हैं, ये है जोगीवर। ओके। और ये बंदा भी जोगीवर के नाम से। अच्छा, और आपका पूरा नाम क्या बताया? केसर सिंह आगे गरासिया। आपके पापा का नाम? लुम्बा जी। आप इस गांव, आपके पाडलवाड़ा गांव में रहते हैं ना? हाँ, मैं पाडलवाड़ा में और मैं उस नाकामा हूँ और ये बंदा जोगीवर नाम से है। ओके। और आप यहाँ कितने समय से रहते हैं? ये हमारे तो ये जमीन की नपती हुई जब से हमारे दादाजी रह रहे थे। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? अभी तो मैं लगभग 60 माह चल रहा हूँ। 60 में चल रहे हैं। तो जैसा कि आपके इधर ये बांध बना हुआ है, जोगीवड़ बांध, तो ये कब बना? ये वो है मोटे। अच्छा, 2007-09 में बना था। 2007-09 में, ठीक है। और ये जो बांध है वो बनवाया किसने है? ये बनवाया है उस टाइम सरकार थी, आपने गुलाब सिंह शेखावत घर मंत्री थे और एक लेडीज थी कोई सिंचाई मंत्री कमला बेलीवाल करके। अच्छा, वो आए थे और इसमें मांगीलाल जी गरासिया भी थे और अपने ये गोगुंदा वाले और नहीं एम ए अपने कांग्रेस के जितने वो विधायक थे वगैरह से सारे थे। यो फिर वहाँ उसमें हमने थोड़ा रोक लगाया बनाया है अपने बीजेपी सरकार वहाँ पर। बीजेपी सरकार आई वसुंधरा जी, उसमें फिर बनाया, फिर वो मुआवजा ते क्या अपन मुआवजा कोई लोगों को पूर्ति मुआवजा नहीं मिला। तो इस ये जो बन रहा था उसमें कौन से गांव के लोगों ने इसमें काम किया था? उसमें तो हमारे जोगीवर के और पाडलवाड़ा के लोग थे और सारे वो तो मस्जिदे थे, एलएनटी थे, जेसीबी थे और अपने ये टैंकर थे, ये थे इनको मस्जिद पाडलवाड़ा और जोगीवर दोनों गांव वाला। तो कितने रुपए दिए जाते थे उसमें? रुपए दिए जाते थे लग समझ 200 माह के 8 रुपए कम थे उस टाइम। अच्छा, 192 रुपए ये दिए। और अभी ये जो बांध बना हुआ है वो कितना मतलब फैला हुआ होगा? ये मानो इधर लंबाई है आपने इधर तक 1 किलोमीटर यूं है मानो। अच्छा, ज्यादा 1 किलोमीटर से उस ऊपर। ओके। और अभी बांध बना है तो उसके बाद इन मंगरियों के पीछे भी पानी है। ओके। और इधर भी लंबा है और अभी लोगों को मुआवजा दिया था का वो जमीन भी बाकी है, इन्हें खोदने बाकी कह रहे थे। अभी अब वो कब खोदेंगे कब क्या करेंगे वो हमको कोई पता नहीं। तो ये जो बांध बना इसमें कितने परिवार वालों की जमीन गई है? इसमें लगभग परिवार वाला गए होंगे भाई, कम से कम छुटमुट कर 20-25 परिवार के गए होंगे सब। 25। तो जिन लोगों की जमीन गई क्या उन लोगों को मुआवजा मिला? मुआवजा तो मिला पर कम मिला तो मिला है। कम मतलब कि 6-7 हजार या बस रिंगे के 6-7 हजार और कोई शीशाई जमीन करके के 6-7 हजार रोक करके तो 3-4 हजार ही दिया है ना। तो क्या अभी इसका कोई फायदा ले पा रहे लोग पानी का या नहीं ले पा रहे? अभी देखो उस टाइम तो हमें विरोध करने वाले थे। अब इससे लोगों को ऐसा फायदा हुआ है ठेठ यहाँ से आपने इस बांध से आपने ठेठ अपने गांधी सेना तक फायदा होता है क्योंकि नदी में पानी रहता है और लोग बाग इंजन से लेते हैं और नहर जाती है और ये सारा इन लोगों को फायदा होता है। और उस टाइम तो वीडियो देखे था अपन, फायदा भी हुआ है। फायदा मतलब यहाँ से जोगीवाड़ से लेकर गांधी सेना तक के लोगों को फायदा है और आधे गुजरात वाला फायदा था, कोटा वाला पानी ये जाता है तो वो बांध वगैरह क्योंकि नदी पानी चलता ही रहता है बांध से तो आधे गुजरात वाले भी फायदा लेते हैं। बरोबर। और सरकार की ओर से इसी पानी का नहर के तहत कोई लाभ मतलब पहुंचाने की कोशिश की? नहर वगैरह तो नहीं बनी हुई ना? नहर तो बनी है, ये नहर जा रही है पर इसको सरकार ने अभी पाकी नहीं की है तो पानी टूट जाएगा, ले जाएंगे और फिर नदी में जाते तो वो इंजन से नहीं सारा लेते हैं और नहर तो बना ही है पर नहर पाकी नहीं की है। मिट्टी गिर जाती है, बारिश आती है, ढह जाती है तो लोग बाग इतने काम नहीं कर सकते कि भाई पूरा थल गया तो मस्जिद है ही नहीं अब लोग। और ये जो बांध बना इसमें सबसे ज्यादा जमीन किस व्यक्ति की थी? सबसे ज्यादा तो एक था अपने केसा कसना का उनकी थी और फिर ये
रामा साजा और होमा साजा इनकी थी इधर ही यहाँ से मान के। ओके, और सबसे कम? सबके कम तो कई एक नानजीत करके है ताईवर, नरसा पिता नाना ताईवर करके था, और उसके बाद हमारे अंकल जी के थे के खीमा होमा, उनका माँ जब को नींद दिया हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी सिलमा, वो फोत हो गया, तो उनका सफदरजंगा का मुआवजा बाकी है। अच्छा, एक और बात कि अभी जिन लोगों की जमीन गई, हाँ, उन लोगों को कहीं और जमीन वगैरह दी है ऐसा? ना ना ना, कहाँ दी सरकार ने, तो वो जैसे जैसे करके दी मैंने उधर थे, तो ये मेरे को मैंने ये खरीद के ली है, ये सरकार ने कोई वो व्यवस्था नहीं की, वो जैसे जैसे किसी ने थोड़े पैसे सगे वाले जाके और वो उन्होंने थोड़े दो तीन दिन गायों उधर खरीदे, अभी जो कोई सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। ठीक है, तो अभी आप सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं बांध को ध्यान में रखते हुए? तो सरकार से तो ये मदद चाह रहे हैं कि हमें बनाता दिए लोगों की जमीन, जाने वाले जमीन गई, अब लोग रहे उनको फायदा मिले, नहर साफ करे और नहर पक्की बनवाएगा तो पानी जाएगा, अब ये पानी तो सारा वेस्ट जाए तो गुजरात से फायदा ले आधे आधे अपने नदी के किनारे वो इंजन के नहर सारे यूं ही पड़ी है, सरकार ने वो कार्ड तो दिया ली रहा पड़ोस ली रहा पानी ठेठ पहुंच के फिर छोड़ दे कच्ची मिट्टी है नहर डस गई सारी। और ये जब बन रहा था तब कोई घटना घटी, मतलब गांव के लोगों ने विरोध किया हो ऐसा कुछ? ना, गांव के लोगों ने तो कोई विरोध नहीं किया, विरोध हम ही किया था, फर्स्ट माह निबंधना दे रहे थे हम, कोई लड़ाई झगड़ा भी किया था भाई हमारी जमीन जाएगा हमारा नुकसान होगा ये सारा हमने किया था, पर कोई कहने वाला है कि तुम्हारा नुकसान भी हो रहा पर फायदा भी होगा, तो हमने भी देखा कि भाई बीच में हमारे पाडल वाला में तो इस नहर का कोई फायदा नहीं, पर इंजन से पानी ले जाते हैं तो हमें पार्लर वाला भी फायदा हुआ, क्योंकि इसमें बांध में पानी है तो इससे हमारे गांव को भी फायदा हुआ, ये नहर तो ये निश्चय वाला ही फायदा है क्योंकि निश्चय खेत आए उन वजह। ठीक है, धन्यवाद आपका।